बस नहीं, हालात वही। कराची में 3 माह पहले शुरू होने वाली पीपल्स बस सर्विस की बस आई चंडीगढ़ रोड पर खराब हो गई। मुसाफिर बस से उतरे और धक्के लगाते रहे। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खसूसी शायान सलीम हमारे साथ है। शायान सलीम, ये इसको भी पुराने जैसी बस ही समझ रहे हैं या वैसे ही हालात बनाए जा रहे हैं? ये देखें, कराची वालों की किस्मत समझें कि उनकी किस्मत में इन बसों को धक्के लगाना रहते हैं, क्योंकि ये अभी नई नवेली बसें आई थी और जो देखा जा रहा था कि इन नई बसों पे ओवरलोडिंग की जा रही थी। 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है, इससे ज्यादा इससे सवार किए जा रहे थे। और कराची की सड़कों का हाल आपको पता है कि बारिशों के बाद जो टूट फूट का शिकार है, उन पर इन रोडों को चलाया जा रहा था, तो जाहिर है बसों को तो खराब होना ही था, तो इसका आगाज हो चुका है। मैं आपको मुझे बता दूं कि ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इन बसों की लाइफ ज्यादा होती है, मगर कराची में आते ही 1.5 से 2 माह बाद ये बैठ गई है। इनकी वायरिंग का मसला आ रहा है, इनके साथ और भी इश्यूज आ रहे हैं। आई आई चंडीगढ़ रोड के मनाजिर जो आप देख रही है इस स्क्रीन पर, के लोग बेचारे जाना चाह रहे थे, वो बस में सवार हुए थे और ड्राइवर कोशिश कर रहा था। जाहिर है नई बसेस हैं और इतना आइडिया नहीं है ड्राइवर्स को कि अगर कोई इसमें मसला आ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मतलब तो इसको हम तब्दीली नहीं समझ सकते, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कम से कम हालात ऐसे ही हैं, यही लग रहा है। शायान, बहुत शुक्रिया।